जो शिक्षक करते हैं वो दूसरा नहीं कर सकते। अधिकांश लोग समाज से लेते हैं, लेकिन ये शिक्षक ही हैं जो देते हैं। तो आज चाहे किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, कोई ना कोई शिक्षक ने ही उसको यहां तक पहुंचाने में सहारा दिया होगा। आज मुझे खेद है कि पहली बार निर्धारित समय से एक घंटा बाद मैं किसी कार्यक्रम में पहुंच पाया, क्योंकि शिक्षक का अगर बृहत रूप देखें तो वो कहीं ना कहीं राज्यपाल के रूप में दिखेगा, और वो समय की पाबंदी न करे तो कहीं ना कहीं लगता है कि उस पद पर, उस कुर्सी पे जो बैठा हुआ कोई भी है, वो समाज के सामने कोई अच्छी परंपरा नहीं डालना। लेकिन आज मुझे, मेरा कोई दोष नहीं, हमारे इन मित्रों का भी कोई दोष नहीं, कभी कभी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। मुझे कार्यक्रम बन के मिला, उसने 2:50 पर मुझे राजभवन से निकलना था। स्वाभाविक है कि 2:30 मैं तैयार हो गया। मुझे तो सूची दी गई मंच पे कौन कौन रोल कहेंगे, तो उसमें मुख्यमंत्री का भी नाम था और एक बड़ी लंबी सूची मंत्री हो गई थी। 3 बजे तक मेरे यहाँ जो राजभवन के कर्मचारी आए, उन्होंने कहा अभी कोई आया नहीं। अब जो मिनट टू मिनट मेरा कार्यक्रम था, वहीं से बिगड़ना शुरू हो गया। एक स्थिति ऐसी आई कि मैंने कहा कि ये मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए नहीं, इसलिए अगर मैं किसी का शिक्षकों जैसे समाज के सम्मान में अगर समय का पालन मैं ना कर पाऊं, तो दूसरों को मैं कैसे ये प्रेरणा दे सकता हूं, कैसे उन्हें समझा सकता हूं कि समय का पालन करूं। लेकिन तो एक बार मैंने सोच लिया था कि अब जाना मेरा कोई अर्थ नहीं रखता, लेकिन फिर भी अंत में कितने शिक्षकों का सम्मान करने का सवाल है। मुझे अपनी गलत फहमी है, उन्हें अपनी गलत फहमी होगी कि जो राज्य के प्रमुख है वही आपके सम्मान में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक संदेह, एक चर्चा की बात होती। तो मैंने कहा चलो आपको शुभकामनाएं दे दें, तो मैं इसलिए आज यहाँ आपके बीच में आया, विलम्ब से आया, लेकिन आके मुझे खुशी हो रही है कि आप सबके बीच में